एवरीवन, आइए आइए, धीरे धीरे सब लोग जुड़ जाइए लाइव से। हाय रिया, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ रिया, आप कैसे हैं? और आज तो कुछ ज्यादा ही अच्छी हूँ, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। हाय रक्षा, हाउ आर यू? बधाई हो रक्षा, आज खेसारी जी की, मेरी और रक्षा गुप्ता जी की एक फिल्म डोली सजा के रखना का ट्रेलर आया है SRK म्यूजिक वर्ल्ड से। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज उस ट्रेलर को देखिए, बिकॉज जितने भी लोग देख रहे हैं वो लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, और हम सब आर्टिस्ट, हमारी पूरी टीम, हम लोग सब इतना ज्यादा खुश हैं कि इस ट्रेलर को इतना प्यार मिल रहा है। और हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जब ये फिल्म थिएटर में जाएगी तब कितना प्यार मिलेगा, जब ये फिल्म टेलीविजन पर आएगी तब कितना प्यार मिलेगा, जब उसके बाद डिजिटली आएगी तब कितना प्यार मिलेगा। यही सोच सोच के हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। मनीष पांडे जी इज हियर, हाय मनीष, हेलो हेलो। नवीन कह रहा है ट्रेलर देखा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा था ना, फिल्म भी उतनी अच्छी है, बहुत मस्त ट्रेलर है दीदी। आम्रपाली फैन मुस्कान, थैंक यू। तो इस मूवी में ना हल्का सा मेरा कैरेक्टर ऐसा है जिसको डांस करना बहुत अच्छे से आता नहीं। आप लोगों ने ट्रेलर देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डांस करने में थोड़ा हाथ तंग है मेरा। और एक शॉट में आपने देखा होगा मैं खेसारी जी को डांस करके दिखा रही हूँ, और उसके बाद वो बोलते हैं यार ये डांस कर रही हो कि जोता हुआ खेत हेंग रही हो। तो ऐसे पूरी फिल्म में बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस हैं, ऐसे डायलॉग्स हैं जो आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो आज लाइव आने का मेरा मेन उद्देश्य यही था कि मैं आप लोगों से ये कह सकूं कि प्लीज ट्रेलर को देखिए, अगर अभी तक आपने उस ट्रेलर को नहीं देखा तो प्लीज देखिए। आपको खेसारी जी का कॉमिक टाइमिंग, वो तो हमेशा ही बहुत अच्छा करते ही हैं, उनके साथ मेरा भी थोड़ा सा कॉमिक टाइमिंग हम लोग ने मिला के, उनके साथ बहुत बार रिहर्सल करके हम लोगों ने बहुत अच्छा कॉमिक टाइमिंग बनाने का कोशिश किया है। तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, तो प्लीज जरूर देखिएगा। ऑल राइट, आम्रपाली एक्स ग्लो, हाय। श्वेता वर्मा जी इज ऑल्सो हियर, हाय श्वेता जी, हाउ आर यू? पवन सिंह जी के साथ भी फिल्म बनाई है, विजय SVPSL जी, बिल्कुल जरूर बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे बहुत जल्दी। हम लोग अच्छी स्क्रिप्ट अभी खोज रहे हैं कि ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट है जो हम लोग साथ में कर सकते हैं। जैसे वो मिल जाएगी वैसे मैं और पवन जी साथ में शूटिंग करेंगे। मूवी देखते पर दिल्ली में लगती तब, कलश बोल रही है। अरे कलश, तुम तो कभी भी आ जाती हो बनारस, कभी भी आ जाती हो कहीं पर भी, तो तुम तो कहीं भी जाके फिल्म देख सकती हो। तुम्हारे लिए दिल्ली में लगने की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना कलश। आजमगढ़ के लिए मुबारकबाद, थैंक यू सो मच। सौरभ यादव जी लिख रहे हैं, हेलो आम्रपाली मैम, आई एम बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू सौरभ, थैंक यू आम्रपाली फैन। दीक्षा, यू लुकिंग सो ब्यूटिफुल, थैंक यू। दिनेश जी के साथ कब आएगी मूवी? अभी अभी हम लोगों ने एक बहुत अच्छी मूवी की शूटिंग की है नेपाल में, और वो भी बहुत जल्दी रिलीज होगी आप लोगों के सामने। हम लोग ने बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्म की है, हमारी एक फिल्म माई द प्राइड ऑफ भोजपुरी इज कमिंग सून इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, एंड आई थिंक मैं ये दावे के साथ बोल सकती हूँ कि दिनेश जी के लाइफ का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस, अभी तक उन्होंने जितनी फिल्में की है उन सारी फिल्मों में उन्होंने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस माई में दिया है। और उस फिल्म में दिनेश जी हैं, मैं हूँ, किरण यादव जी हैं, अवधेश मिश्रा जी हैं, और सारे सुपर्ब एक्टर्स हैं उस फिल्म में। उस फिल्म को डायरेक्ट किया रजनीश मिश्रा जी ने, उसके प्रोड्यूसर हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त निशांत उज्जवल जी। तो वो फिल्म का भी ट्रेलर बहुत जल्द आएगा और फिल्म भी आप सबके बीच बहुत जल्दी आएगी,
उसे भी देखिएगा, यू ऑल विल लव इट। तो जितने भी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि दिनेश जी के साथ कौन सी फिल्म आ रही है, माई आ रही है। ऑल राइट, आशीष अहिर इज सेइंग प्रणाम। हेलो हेलो, नमस्ते, प्रणाम। आपकी और दिनेश जी की जोड़ी बहुत अच्छी है। थैंक यू थैंक यू। मैं आपके लिए देखूंगा। अरे किसी के लिए देख लो, बस देख लो, फिल्म देखा करो यार, किसी के लिए देखो। हजारों लोग लिख रहे हैं कि मैं खेसारी जी के लिए फिल्म देखूंगा, उन्हीं के लिए देख लो, बस फिल्म देखो। हमने बहुत मेहनत की है। आप खेसारी जी के लिए फिल्म देखोगे तो भी मुझे ही खुशी होगी, आप मेरे लिए देखोगे तो खेसारी जी को खुशी होगी। जिसके लिए फिल्म देखना है बस फिल्म देखो। दी, मुझे आपकी सारी मूवीज अच्छी लगती है। अजय प्रजापति, थैंक यू अजय जी, थैंक यू सो मच। जीत के लिए बधाई हो आम्रपाली दी, लाइफ लाइन। थैंक यू, ये सारी आप लोगों की बधाइयां मैं दिनेश जी को फोन करके बताऊंगी, बिकॉज अभी तो सांसद जी बहुत बिजी हैं आजकल, बहुत उनका कार्यक्रम लगा है तो बहुत बिजी है, तो बात नहीं कर पाते हैं हम लोग से, स्क्रिप्ट पे हम लोग कुछ बात ही नहीं कर पाते हैं। तो मैं उनको मैसेज करके बता दूंगी कि सब लोग बोल रहे हैं कि आपको जीत की बधाई हो। प्रिया सिंह जी बोल रही हैं, आज आप बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू सो मच प्रिया, थैंक यू। ऑल राइट गाइस, मैं एक्चुअली ट्रैफिक में हूं तो जितना थोड़ा अभी मुझे लगता है 5 मिनट और आप लोग से बात कर सकती हूँ, उसके बाद मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाऊंगी, फिर मुझे फोन रखना पड़ेगा। loveviva.com में आपका कैरेक्टर तो लाजवाब है। थैंक यू। खेसारी जी के साथ बनाई है मूवी? हाँ बनाई हूँ, मतलब मैं नहीं बनाई हूँ, मैंने काम किया है। फिल्म तो बाकी लोग बनाते हैं, हम लोग काम करते हैं। अरे खुशी आ गई यहाँ पे, हाय खुशी, मैक्स खुशी, कैसी हो? आजमगढ़ कब आओगे मैम? शायद मैं अभी जहाँ जा रही हूँ वो जगह शायद आजमगढ़ ही हो, यू नो, यू नेवर नो। पर मैं बहुत जल्दी अपनी शूटिंग लेके आ रही हूँ आजमगढ़, हमारा सारा प्लानिंग होके रेडी है तो आजमगढ़ बहुत जल्दी आ रहे हैं। संजय एच यादव जी लिख रहे हैं, अभी आम्रपाली जी आप कहाँ ट्रैफिक में फंसी हैं, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। ये मुस्कुराहट, अगर ये ट्रैफिक थोड़ा और लंबा लगा तो फिर ये मुस्कुराहट ऐसे धीरे धीरे ढलती जाएगी, क्योंकि मैं लेट हो जाऊंगी। तो बस आप लोग प्रे करो कि ट्रैफिक जल्दी खुल जाए यार। आज पहली बार लाइव में देख रही हूँ पिंकी। अरे वाह, प्रदीप जी बाय बोल रहे हैं, ठीक है भाई जाओ, बाय बाय प्रदीप। नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा है आपका? मैं जिस फिल्म की शूटिंग करने जा रही हूँ उस फिल्म का नाम है दाग एक लांछन, एंड बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत बढ़िया फिल्म है और मैं उसी की शूटिंग के लिए जा रही हूँ। आई होप, अभी तो बहुत पहले पहले स्टेज पे है, शूटिंग चालू होगी कल परसों में, लेकिन जब आप लोगों के सामने फिल्म आएगी तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, मैं यही उम्मीद करती हूँ। इट्स विश्वजीत, हाय। भानु प्रताप, हेलो। पवन निगम, हाय। पवन भैया कहाँ है? जहां तक मुझे जानकारी, वो नेपाल में शूटिंग कर रहे हैं। बेस्ट जोड़ी ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री इज निरोपल। थैंक यू थैंक यू। आप और आपकी बातें दोनों बहुत प्यारी है श्वेता जी। ज्यादा पप्पी नहीं दे सकती, पप्पी देती हूँ तो मेरा फिल्टर उड़ जाता है। राइट, ये कमेंट क्यों रुक गया? इधर नेटवर्क नहीं रहता है क्या? अरे यार, आया आया आया। आप भोपाल कब आओगे दीदी? बहुत जल्दी आऊंगी भोपाल, मुझे वैसे भी वहां जाना ही है एमपी, मुझे मैहर देवी माँ के दर्शन करने हैं, मैं कभी की नहीं हूँ, तो उस टाइम पर जब आऊंगी तो भोपाल भी घूमूंगी जी। आप कितनी बहने हैं? ऋषिकेश यदुवंशी जी ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। इस सवाल का रेलेवेंस क्या है मुझे नहीं पता, पर हम दो बहन हैं और मेरी बड़ी बहन आंचल दीदी है जो कि शादी करके जा चुकी है, मतलब मेरा रूम, मैं सारे ड्रॉवर्स सब कबर्ड अब मेरे हैं,
अब ये घर पे पूरी पूरा तरह मेरा कब्जा है, दीदी को हमने निकाल दिया है घर से। सिपाही जी हंस रहे हैं। You are beautiful. I saw your first show in Crime Patrol. Thank you. मैंने Crime Patrol 3-4 episodes किए थे Crime Patrol के पहले, और मेरा सबसे favorite genre है thriller. अगर मुझे मिले तो मैं और भी करूँगी. आप पंजाब कब आओगे? वाह, बहुत जल्दी. पूजा सिन्हा, हेलो हेलो. हम लोग छोट मोट आदमी हैं तो आप हम लोगों को ऐड नहीं करेंगी. कोई बड़ा आदमी होता तो भी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ आज. जिस दिन ऐड करने वाली रहूंगी पहले से इन्फॉर्म करके जब आती हूँ, 3-4 दिन पहले से इन्फॉर्म करके आती हूँ कि आज मैं ऐड करूंगी लोगों को लाइव पे, तब मैं लोगों को ऐड करती हूँ. और छोटा आदमी का क्या मतलब होता है? सब आदमी को भगवान ने एक ही जैसा बनाया. एक नाक, दो आंख, दो कान, एक मुंह. कोई छोटा बड़ा आदमी नहीं होता, आदमी आदमी होता है. बस वो जानवरों वाली हरकत ना करे. जल्दी आना भोपाल, मुझे आपसे मिलना है. आप लोगों के आशीर्वाद से ट्रैफिक खुल चुका है और हम स्पीड में जा रहे हैं. थैंक यू सो मच यू गाइस. गीतांजलि, आसाम आइए कभी. अरे वाह, बहुत जल्दी आऊंगी. आसाम तो बहुत खूबसूरत जगह है, मेरा मन है आने का. जमशेदपुर कब आ रही हो? जमशेदपुर के बारे में तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया ना कि मेरी दीदी का ससुराल है वहां पे, मेरी कजन सिस्टर का, तो वहां पे तो मेरे को बहुत जल्दी आना ही पड़ेगा. सो ऑलराइट गाइस, आप लोगों को मुझे यही बोलना था कि डोली सजा के रखना का ट्रेलर आ चुका है और आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दे दिया है. रियल टाइम में शायद वीडियो का ट्रेलर का व्यूज कम से कम 18-19 लाख हो चुका है, रियल टाइम व्यूज अभी के हिसाब से, जितना मेरी बात हुई है हमारे प्रोड्यूसर रोशन जी से और शर्मिला जी से. उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला है कि रियल टाइम व्यूज बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है. सो थैंक यू सो मच जितने लोगों ने ट्रेलर देखा है, उन लोगों को. जिन्होंने नहीं देखा है, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज उस ट्रेलर को देखिए और कमेंट बॉक्स में ट्रेलर के नीचे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि आपको सबसे अच्छा डायलॉग कौन सा लगा, सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा. वरना मैं ये लाइव वीडियो भी पोस्ट करूंगी, इसके नीचे भी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा सीक्वेंस, सबसे अच्छा डायलॉग कौन सा लगा है ट्रेलर में. एंड अगर आप लोगों ने मुझे बता दिया तो मैं उस डायलॉग को एनएक्ट करके रील पे भी अपलोड करूंगी. एंड आई एम श्योर यू विल लाइक इट वंस अगेन.